बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो असिस्टेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2 फरवरी को जो पेपर हुआ है असिस्टेंट का, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये पेपर के जो कितने क्वेश्चन हैं, मैं उसके चॉइसेस मैंने नहीं लिखे, ऑप्शंस उसका करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर मैं लिखता जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये वो पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट बीपीएस 16 का पेपर, और ये पेपर जो है 2 फरवरी 2019 को हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है ड्वेट डी आइजनहावर, कहते हैं कि ये शख्स कौन था। तो ये जो थे, ये 34th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे दोस्तों। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 34वां सदर थे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, स्काईलैब लॉन्च्ड इन स्पेस बाय यूएसए। स्काईलैब यूएसए ने कब लॉन्च किया था स्पेस में? तो पहले तो ये तो देखते हैं कि स्काईलैब है क्या दोस्तों। स्काईलैब जो है ये लेबोरेटरी था और स्पेस स्टेशन था। स्काईलैब एक स्पेस स्टेशन एंड लेबोरेटरी था, और ये यूएसए ने लॉन्च किया था 14 मई 1973 को। 14 मई 1973। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ टेबल टेनिस टेबल। टेबल टेनिस टेबल का लेंथ जो है ना, एक होता है लेंथ, दूसरा वाइड, कितना वाइड कितना है, उसकी लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है, तब सब आपको बताता हूँ। यहाँ चूंकि लेंथ की बात है तो उसकी लेंथ है 2.74 मीटर, 2.74 मीटर, जो कि 9 फुट बनता है, 9 फीट बनता है, 9 फीट, ये तो इसकी लेंथ है। वाइड कितना है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितना वाइड है, 1.525 मीटर वाइड, जो कि 5 फीट बनता है, 5 फीट बनता है। और इसकी हाइट जो है ना 76 सेंटीमीटर है, जो कि 2.5 फीट बनता है। ये तमाम चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, तखबाई सिचुएटेड इन, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, इनके इजी क्वेश्चन है। दिस सिचुएटेड इन मरदान, तखबाई जो है डिस्ट्रिक्ट मरदान में है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान, लास्ट किंग जो अफगानिस्तान में मनारकी थी, शहनशाहियत थी दोस्तों, तो उसका शहनशाहियत का आखिरी बादशाह जो था वो कौन था, और उसकी शहनशाहियत फिर खत्म कब हुई, खत्म हुई, ये तमाम बातें आपको बताने वाला हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पिछले दिनों में एक वीडियो में काफी डिटेल से, आखिरी बादशाह का नाम जो था वो मोहम्मद जाहिर शाह था दोस्तों, जिसको अपने साले ने, ब्रदर इन लॉ ने इसका तख्ता उल्टा किया था और शहनशाहियत का खात्मा किया था। कब किया था? 1973 में, 1973 की बात है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच मुस्लिम कैलिफ एंड हिज 4 सन्स रूल्ड। तो इसमें हमारे पास अब्दुल मालिक इब्ने इब्ने मरवान, करेक्ट ऑप्शन इसमें ये है दोस्तों। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के स्टडी को क्या कहते हैं, हैंड राइटिंग के स्टडी को ग्रेफोलॉजी कहते हैं दोस्तों, हैंड राइटिंग के स्टडी को ग्रेफोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिक्स,
ये पहले ब्रेक था, इसके साथ नहीं था 2010 तक। ये एक पांच ममालिक का एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो बी से लिया गया है, देखें वो ममालिक कौन कौन से हैं। बी से ब्राजील है, बी से ब्राजील, आर से रशिया है, आई से इंडिया है और सी से चाइना है दोस्तों। जब 2010 में इसके साथ साउथ अफ्रीका, तो उसके साथ एस लगा लिया, तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स इन पांचों ममालिक का ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, शीरलॉक होम्स, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय अ स्कॉटिश, एक स्कॉटिश थे दोस्तों, स्कॉटिश राइटर थे, स्कॉटिश अथर, कॉर्नल डॉयल का कुछ इस तरह नाम है उसका, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला है, ओल्ड कैपिटल ऑफ जापान, जापान के पुराने कैपिटल का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो ये न जानने की कोशिश करते कि जापान के प्रेजेंट कैपिटल का नाम क्या है। प्रेजेंट कैपिटल का नाम टोक्यो है और पुराने कैपिटल का नाम कायोटो था दोस्तों, वही अल्फाज है। टोक्यो इसको उलट पुलट करके टोक्यो बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया है आप ये खुद सर्च कर ले, लेकिन इतना मैं बताता हूँ कि ये कब इसका नाम तब्दील किया गया था, 1868 में तब्दील किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है, देखिए दोस्तों दिस वन, विच एजेंसी इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के लिए जो एजेंसी है दोस्त का नाम है UNPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। ये ए इसके साथ है या नहीं, मेरे ख्याल में इसके साथ ये ए लगता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को, एशियन गेम्स आफ्टर, एशियन गेम कब, हर 4 साल बाद होते हैं, एवरी 4 इयर्स एशियन गेम्स होते हैं दोस्तों, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया टापी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, दिस वन, TAPI गैस पाइपलाइन, ये किन मालिक का, ये है ना टी से ताजिकिस्तान है, टी से ताजिकिस्तान, ए से अफगानिस्तान है दोस्तों, अफगानिस्तान, और पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, 14 नंबर क्वेश्चन को देखें, इंटरफैक्स न्यू एजेंसी, इंटरफैक्स न्यू एजेंसी जो है ना, ये रशिया का है दोस्तों, ये रशिया का न्यूज एजेंसी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, क्वेश्चन नंबर 15, हाईएस्ट माउंटेन एंड ALPS, ये एक माउंटेन रेंज है उसका नाम है दोस्तों, जो कि बहुत एक्सटेंसिव है दोस्तों, हाईएस्ट एंड एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है ये, फ्रेंच और फ्रेंच इटालियन इटली के बॉर्डर पर है ये रेंज है दोस्तों। तो इसका हाईएस्ट माउंटेन जो है ना उसका नाम है माउंटेन ब्लांक, ये उसका नाम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, एंगल ऑफ सीमी सर्कल, सीमी अधे को कहते हैं, तो पूरे सर्कल का 360 और तो अधे सर्कल का 180 डिग्री होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, दिस नायाब डैम इज इन, नायाब डैम कहां पर है, ये ईरान में है दोस्तों, नायाब डैम इज सिचुएटेड इन ईरान, ये ईरान का एक डैम का नाम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, फर्स्ट नंबर पर तो अफगानिस्तान है और सेकंड नंबर जो है ये पंजाब का है, टर्न पर
सिंधे और चार नंबर पर केपीके है दोस्तों। अब केपीके के साथ पाटा मर्ज हो गया तो अब देखते हैं कि इसका नंबर कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, दिस वन डेंजरस डैम इन इराक, इराक में जो खतरनाक डैम है, डेंजरस डैम है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है मोसोल डैम, जो कि रिवर टिग्रेस पर वाला है, टाइग्रेस पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 17th century में कंस्ट्रक्ट हुआ था, लेकिन क्यों कंस्ट्रक्ट हुआ था, किसने कंस्ट्रक्ट किया था दोस्तों? ये 1631 से लेकर 1648 तक इसकी कंस्ट्रक्शन होनी थी। ये शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया था और अपनी बीवी की याद में, उसके बीवी का नाम था मुमताज महल। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफी है। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी इंशाल्लाह तआला भाई बॉट्स हल करते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।